Welcome, everyone. Welcome to my channel, Lina's Expertise. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग व्लॉग करने वाली हूँ, जिसमें आप देखेंगे एक नए टाइप का स्क्रैम्बल्ड एग. ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, जो मैं ज़रूर सुबह करती हूँ, और अगर डेली भी कर लूँ तो मैं बोर नहीं होती. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले, आप अगर न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना प्रेशियस कमेंट फीडबैक सेक्शन में ज़रूर दें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके लिए आपको दो एग्स चाहिए, और इसमें आप थोड़ा सा जो नमक है वो स्प्रिंकल करें और उसको फेंट लें, ठीक है. अब एक छोटे से पैन में आपने थोड़ा सा घी लेना है, उसको मेल्ट करें और उसके थोड़े से गर्म होने का वेट करें, और उसके बाद ही आपने इसमें थोड़े से मशरूम्स जो हैं उनको फ्राई करने के लिए डालना है, क्योंकि मशरूम्स थोड़े से कच्चा आपको टेस्ट देते हैं. अगर आप उनको थोड़ा सा फ्राई ना करें पहले, तो आपने थोड़े से वो ऐड करने हैं. उनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और जब हमें फील हो जाएगा कि ये थोड़े से क्रंची से हो गए हैं या बहुत क्रंची ना भी हो, तो आप उसके अंदर उसके बाद एग्स जो आपने अभी फेंटे थे वो आप ऐड कर देंगे. सुबह का ब्रेकफास्ट वैसे भी बड़ा हेल्दी होना चाहिए, और क्योंकि आपने सारा दिन काम करना होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं मेरे जैसे लोग, और उनको बीच में आपने बार बार उठ के खाना नहीं है, और आपने बस एक नाश्ते पे गुजारा करना है, तो ये आपका सबसे पीसफुल और सबसे अच्छा जो है मील होना चाहिए सुबह का स्पेशली, ठीक है. अब ये मुझे लग रहा है कि अब फ्राई हो चुके हैं इतने कि हम इसके अंदर एग्स ऐड कर दें, तो अब उनकी बारी है. इस तरह से डालें कि आपका पूरे मशरूम जो है ना वो कवर हो जाए इसके अंदर. मेरा इसको फ्राई करने का भी तरीका बड़ा डिफरेंट है. मैं ज़रा थोड़ा सा इसको लिफ्ट करके ना एग को जो ऊपर से सारा ये जो उसका लिक्विडी बैटर है वो नीचे जाता है, साथ साथ फ्राई होता रहता है, तो एक बेस ज़रा नीचे ज़रा मोटी सी बन जाती है. ये देखें, लिफ्ट कर रही हूँ और साथ साथ नीचे जा रहा है. इस तरह ये पकता भी जाएगा सारा, और जब आप फ्लिप करेंगे तो जल्दी कुक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर का नहीं बनाना, हमें इसको वाइट वाइट ही रखना है. उसको हमें ज़रा मुशी सा चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए बहुत स्टिफ सा, अकड़ा हुआ सा. तो इसलिए जब आपको फील हो जाए कि इसकी बेस थोड़ी सी इतनी हार्ड होगी है कि आप जब लिफ्ट करेंगे तो टूटेगी नहीं, क्योंकि हर जब आपने वीडियो बनानी होती है ना, सबसे बुरी चीज़ें तभी होती हैं. अब मैंने फ्लिप किया तो ये देखें, मेरा प्यारा सा पैनकेक की शक्ल का अंडा जो है वो टूट गया. अदरवाइज इतना प्यारा फ्लिप होता है जब मैं डेली बनाती हूँ. अब इस स्टेज पर आपने इसमें चीज़ का एक स्लाइस रखना है, और इसको आप फोल्ड कर देंगे. ये पूरा स्क्वायर शेप में आता होता है, बट अब मैं बना रही थी तो मैंने कहा जो हो गया सो हो गया, और अब मैं साइड्स को जो है ना काट के ऊपर रख देती होती हूँ, ताकि एक पूरी ऊपर वाली जो है ना लेयर बन जाती है. ये आपका तैयार है. इसके बाद आपने इसको सिर्फ अपने स्लाइस जो पहले से गर्म किए हुए हैं उनके अंदर रखना है, एंड योर सैंडविच इज़ रेडी टू ईट. इसको इंजॉय करें अपनी गर्मा गर्म चाय के साथ. आपने मेरा चाय का व्लॉग तो देखा ही होगा, तो उसके साथ आप खाएं और मज़े से इंजॉय करें. आजकल तो वैसे भी बारिश हो रही है, तो ये आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में, ठीक है. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मज़ेदार चीज़ी स्क्रैम्बल्ड सैंडविच खाइए, और मुझे दुआएं दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.